अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक ऐसे ही हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो रेसिपी है वो है पेपर चिकन। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन लिया है और एक टुकड़ा मैंने यहाँ पर अदरक का लिया है, चार जवे लहसुन के, एक खाने का चम्मच नमक, या हस्बे ज़रूरत आप नमक इस्तेमाल कर लें, ज़ीरा एक खाने का चम्मच, सफ़ेद मिर्च हाफ चाय की चम्मच और कुछ काली मिर्चें हैं तकरीबन 15 से 16 होंगी साबित, तीन हरी मिर्चें हैं और एक नींबू जाएगा इसमें। तो सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन रेडी कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मैं इसमें डाल के ब्लेंड कर लूँगी और मज़ेदार सी मैरिनेशन जो है पेपर चिकन की वो रेडी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी और ये देखें मैंने अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया है और पानी जो है वो बहुत कम डाला है। तो इसमें मैं चिकन को डाल के अच्छे से इसकी मैरिनेशन कर लूँगी और तकरीबन आधे घंटे या आप 2-3 घंटे के लिए तो इसको मस्ट रखें कि जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी उतनी ही चिकन जो है वो बहुत जूसी और मज़े की बनेगी। तो मैं इसको अब आधे घंटे के लिए रख दूंगी। आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे चिकन को मैरिनेट कर लिया है और चार मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे प्याज लिए थे, उसकी पेस्ट बनानी है। आधा कप के करीब यहाँ पे दही जाएगा और धनिया जो है वो गार्निशिंग के लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसकी कुकिंग। एक कढ़ाई में मैंने हाफ कप ऑयल ले लिया है और इसको मैंने गरम कर लिया है। इसमें मैं अब प्याज की पेस्ट डाल दूंगी और इसको इतनी अच्छी से भूनना है कि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए और प्याज जो है वो थोड़ी थोड़ी अपनी कलर चेंज कर ले। तो इस कंडीशन में अब चिकन की मैरिनेशन डाल दूंगी और स्पाइसेस वगैरह कुछ भी आपने एक्स्ट्रा ऐड नहीं करने। हाँ, अगर आप स्पाइस ज़्यादा खाते हैं तो आप उसके हिसाब से इसमें अब इस कंडीशन में थोड़ी सी काली मिर्च और गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत मज़े की बनेगी, जैसे कि अब रमज़ान आ रहा है तो आप इसको सहरी में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको रात को मैरिनेट करके रखें और सहरी में फ्रेश फ्रेश इसको पकाएं। बहुत ही जल्दी और इजी बनने वाली ये रेसिपी है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 20 से 25 मिनट ढक के इसको पकने दूँगी और 20 से 25 मिनट के बाद ये देखें ऑयल जो है वो ऊपर आ रहा है। तो अब इस कंडीशन में मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी और मज़ीद 5 से 10 मिनट इसे पकने देंगे फुल आंच पे। अब इसकी भुनाई होगी। जब इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो चिकन का जो सारा ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा। तो लीजिए मज़ेदार गर्मा गर्म रमज़ान की रेसिपी, चिकन पेपर बिल्कुल रेडी है। आप इसको धनिया के साथ गार्निशिंग कीजिएगा और रोटी के साथ सर्व कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।